मैंने कि ये जो कानून है ना मेरे का शरीर में, ये सच है कि कानून ज्यादा भर गया है ब्लड से भी ज्यादा। इतने साल हो गए मुझे सिर्फ और सिर्फ यही, पर मैं सच बताऊं मुझे बहुत आनंद आता है। इसकी वजह से भी मेरा रस कम नहीं हुआ। और इसमें इसमें परम सौभाग्य तो ओशो का है, उन्होंने एक चीज कही, छोटी छोटी चीजों में रस लेना शुरू करो, नीरस हो गए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। कपड़े भी धो रहे हो ना, कपड़े भी धो रहे हो अपने, तो उसमें रस लीजिए, मतलब उसमें थोड़ा सा आनंद महसूस कीजिए। कपड़े धो रहे हो, अब कपड़ा धोना तो क्या वजन लगेगा ना, मैंने बहुत दिन धोए हैं कपड़े अपने, खाना भी बनाया है, सब किया है। तो मेरा ये कहना है, छोटा सा भी काम कर रहे हो ना, रस लेना प्रारंभ करो, नहीं तो जीवन ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज में। और रस लोगे तो कठोर से कठोर काम में भी मन लगेगा, मन की एक प्रवृत्ति है, मन की एक प्रवृत्ति है। अब जज बन जाए, आपको पद मिल गया, बाद में पद लगे, अरे यार क्या है इसमें, कुछ नहीं। बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, अरे सर क्या है, तो काम ही तो नौकरी तो कर रहे हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि इसका मन अब यहाँ उबने लग गया। अब जब रिटायर हो गए, अरे यार पहले ठीक था, सही टाइम पर जाते थे, रिटायर हो गए तो हो गया। तब पहले सोच रहा था जल्दी रिटायर हो जाए, और अब सोच रहा है कि वहां चले जाए। तो मन की ये प्रवृत्ति है, कहीं लगता नहीं है और कभी लगा नहीं किसी का। आप हर चीज से उब जाओगे, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे ना उबो। लेकिन आपको ये समझ में आ गई कि ये वो मन है जो उब जाता है, तो उबते समय जब आपका मन उब रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, देखो ये वही मन है, पहले वहां उबा था अब यहाँ उब रहा है। तो जब आपने ये देख लिया, पहले वहां उबा और अब ये यहाँ उब रहा है, तो ये तो मन की चालाकी है। तो आपको रस आने लगेगा, हर काम में रस आने लगेगा। मैंने तो बहुत छोटे छोटे काम भी अपने जीवन में किए हैं, तब मुझे भी उनमें रस नहीं आता था। फिर मैंने ये अभ्यास खूब किया, पढ़ाने में मैं सच बताऊं मेरे बहुत रस आता है, मुझे नीरसता नहीं महसूस होती। मैं सच है कि मैं खो जाता हूँ पढ़ाते वक्त, तो चूंकि मैंने इसमें रस पैदा किया, वजन से नहीं, मैं रोज ये काम करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस काम से थका नहीं हूँ। और न थकने के पीछे कारण ही है, मैं अभी भी रस पैदा करने की कोशिश करता हूँ। तो रस पैदा करिए, एंजॉय करिए, कितनी बढ़िया चीज आपको मिल रही है। कानून, आप कितने मतलब देश के कितने इतने से लोगों में हो, कानून का ज्ञान, जब आपको ज्ञान होता है ना तो आपको लगता है यार मेरे को आती है ये सब चीजें। एग्जाम तो छोटा सा एग्जाम है, कोई सा एग्जाम पास किया जा सकता है, कोई सा एग्जाम बड़ा है ही नहीं। लेकिन रस न पैदा किया तो छोटे से छोटा एग्जाम पहाड़ प्रतीत होगा, पहाड़। तो एक और तरीका, आपने एक सेक्शन पढ़ा, यार मजे कर लेते हैं इसके सेक्शन के, अच्छा देखते हैं क्या क्या है, यार बहुत आनंद आया। कभी भी ये मत कहना कि आनंद नहीं आया, मस्तिष्क को तत्काल सूचना दे दी आनंद नहीं आया, तो वो सोचेगा आनंद लेना ही नहीं है। आपको क्या कहना है, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। अब मैं कभी ये कहूँ यार मेरा तो मन ही नहीं लगता पढ़ाने में, मेरे को तो मजबूरी बस पढ़ाना पड़ता है, पता है दिमाग को तैयार हो जाएगा, हर क्लास में मजबूरी पैदा कर देगा। मैं हमेशा ही क्या कहता हूँ, मुझे आनंद आता है, और सच मानिए आनंद आता भी है, बहुत आनंद आता है। और हर सब्जेक्ट को, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सीपीसी पढ़ाऊँ, सीआरपीसी पढ़ाऊँ, एविडेंस पढ़ाऊँ, सामने वाला पूरे मन से तैयार है ना, तो मैं 101% कह सकता हूँ, चाहे वो बिल्कुल जीरो हो, मैं उसे पारंगत कर दूंगा, पारंगत ही कर दूंगा। क्योंकि जो चीज मुझे आती है वो हो नहीं सकता कि मैं उसे सामने वाले को दिमाग में ना उतार दूं, चाहे कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लगा लो। ऐसा नहीं केवल इनकी बात है, लॉ की ही बात है, ऐसा नहीं है। एक समय था मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता था, हिस्ट्री और लॉ सिविल सर्विसेज में मेरे दोनों सब्जेक्ट रहे, हिस्ट्री पढ़ाता। कभी कभी आपने देखा होगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, शुरू करता हूँ, तो मैं हिस्ट्री में भी उतना ही खो जाता हूँ, और मैं कई बार सोचता हूँ यार मुझे हिस्ट्री आज भी उतनी ही याद है, और मुझे ऐसा लगता है कि कितना लंबा जीवन है मेरा, मैं जैसे मानो कि मैं हड़प्पा काल से जीवित हूँ, मुझे सारा याद है। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी मेरे ही समय में हुए, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ये सारा दुनिया भर की चीजें देखी है। हाँ यदि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता हूँ या ज्योग्राफी, तो मेरे को पूरा भारत ऐसे दिखता है, मैं कभी साउथ गया नहीं लेकिन मुझे ग्रीनरी दिखती है वो। हाँ मैं विजुअलाइज हमेशा करता रहा,
मेरी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है। मैंने आप लोगों को भी कहा, आप मनन करो, जैसे आपने एक्ट पढ़ लिया, मैंने समझा दिया आपको, अरे मस्तिष्क से पूछो कि तेरे को याद क्या है भाई। अब पता है क्या करते हो आप, थोड़ी देर बाद बार 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 उसे पढ़ रहे हो, नहीं बंद करो, एक बार पढ़ लिया ना, पूछो उसको, उसको जरूर याद है, लेकिन क्योंकि आप पूछते नहीं इसलिए रिकॉलिंग पावर खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप रोजाना डिप्स लगाओ तो आपकी भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, नहीं लगाओ तो आपका तुलतुल हो जाएगा। तो रोज पूछो, वो बताएगा। जैसे सोनू ने ये बात कही, ऐसा एक लड़का मेरे पास था दत्ताराम गढ़, तो मेरा एक तरीका था, थोड़ी लंबी क्लासेस में वो तरीका मैं अपनाता था। तरीका क्या था कि ऐसा लंबे बड़े बोर्ड हमेशा ही रखे, तो मैं बोर्ड पर बोर्ड को भर देता था, फटाफट फटाफट लिखता जाता, और मैं कहता फटाफट याद करो, मैं अभी उसे मिटाने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही मिटाऊं तो बोले सर मेरे दिमाग से भी मिट गया। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार कर क्या रहा है ये। फिर मैंने उसको कहा कि गुजर साहब ऐसा है, तो मैं एडवोकेट था, मैंने कहा आपको इसमें से कोई एक चीज याद रखनी है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। तो बोला ठीक है, एक तो मैं देखूंगा, कोशिश कर लेता हूँ। मैंने मिटाया तो बोले सर मुझे तो एक भी याद नहीं, और क्लास धसा धस भरी हुई, सारे लोग बताए, बोले सर पूरा याद है, कहीं से पूछ लो। फिर मैंने दोबारा लिखता हूँ, दोबारा लिखा, मैंने एक चीज उसने बता दी। मैंने कहा शाबाश, पूरी क्लास से कहा इनके लिए ताली बजाओ, जबरदस्त ताली बजाओ, बड़ा खुश हुआ। हाँ फिर दूसरा वाला, मैंने एक चीज अब मैंने कहा आपके बार दो, मैं आपको बता दूं कि उसने इतना बड़ा बोर्ड यहाँ से लेकर वहां तक का पूरे बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें बताई, सारी चीजें बताई। पता क्या है, आप एक चीज समझ जाओ, प्रकृति ने इस शरीर को इस रूप का बनाया हुआ है, इसका जितना ज्यादा यूज करोगे उतना और प्राणवान मजबूत हो जाएगा, मस्तिष्क का जितना यूज करोगे उतना ही समृद्ध हो जाएगा। कुछ लोग अपने जिंदगी में पूरे मस्तिष्क का कभी यूज नहीं करते, मर जाते हैं। इतनी शानदार चीज उसे मिली थी, मरने पर लोग उसे जला जाते हैं। काश वो ये सब करता, बताने यानी क्या से क्या कर देता। तो मस्तिष्क का यूज, और मस्तिष्क का यूज में आप एक बात समझ जाओ कि उससे क्वेश्चनिंग करो। आप जैसे आपकी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा क्या, पढ़ो एक सेक्शन पढ़ लिया ना, पूछो उसे कैसे कैसे करते। अभी जैसे 15 अगस्त को आप, मैं तो नहीं था 15 अगस्त को, भाई साहब थे जस साहब, डीजे साहब आए होंगे, तो जस साहब थे, तो एक दिन वो खुद बता रहे, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज दिया, बाद में वो आरजेएस में सेलेक्ट हुए। फिर तो डीजे साहब जी बता रहे थे, बोले मेरी पढ़ाई, अब मैं उनकी बात बता रहा हूँ, बोले मैं पढ़ता तो मेरे कमरे में लाइट ऑफ कर देता। बोले पिताजी कहते यार तू पढ़ता कैसे, लाइट ऑफ हो रही है तेरी, तो ना लैंप जल रही है ना कुछ चल रही है, क्या पढ़ रहा है। नहीं नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या करते, तो जैसे पहले पढ़ लिया फिर बंद करके सोचते रहते क्या है क्या है। तो बोले ये, बोले फर्स्ट टाइम में पहली बार दिया, आईएएस दे रहे थे, आईएएस में हुआ नहीं था, उनके अटेम्प्ट चारों कंप्लीट हो गए थे, जैसे मेरे भी खत्म हो गए, मैंने भी बाद में जुडिशरी दी, पहली बार में इंटरव्यू दिया, मैंने भी पहली बार में इंटरव्यू दिया फर्स्ट टाइम में। बाद में वो मेरी एक अलग स्थिति थी कि भाई चलो ठीक है, मैंने इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया था, मैंने अब मेरे को कोई एग्जाम एग्जाम नहीं देने हैं, अब बस मुझे पढ़ाना है, मुझे इसी में रस आने इतना ज्यादा आने लगा, बस मुझे पढ़ाना है, अच्छा लगता है पढ़ाना। ऐसे आप भी कर सकते हो, बहुत छोटा है एग्जाम, आपको लगता है बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं जी, पता नहीं जाने क्या होगा, कुछ पहाड़ नहीं टूट रहे, और याद करना बहुत सरल काम है, इससे सरल काम ही नहीं है कुछ भी। आप पहले इस पर मत जाओ, एज इट इज लाइन पढ़नी है ना, इस पर मत जाओ, एज इट इज भी याद हो जाएंगी। पहले शुरू कैसे करना, छोटे से शुरू करो, बढ़ जाएगा। पहले मैं सोचता क्या एक एविडेंस एक्ट पूरा याद हो सकता, एक सेक्शन देखते हैं, दो तीन चार, पता लगा 167 के 167 में कुछ भी पूछो सब याद है, आईपीसी में कुछ भी पूछो सब याद है, सीआरपीसी में कुछ भी पूछो सब याद है, सीपीसी में पूछो सब याद है, कॉन्ट्रैक्ट में पूछो, किसी में पूछो सब याद है। मैंने कहा ये कैसे हुआ, पता ये उसी से हुआ, रिकॉलिंग। अभी जैसे सुबह मैं जब गया, मैंने कहा आज 135 से 167 पढ़ाना है, अब ऐसा थोड़ी मैं पढ़ के आया, तो मैं वैसे ही सोच रहा 135 से 167 में क्या क्या है, कहाँ का क्या क्या लिखा हुआ, ऐसे आ गया मानो को शीशे की तरह कंटिन्यू घूम गया, आपके भी घूम जाए, क्योंकि प्रकृति ने मेरे को और आपको कोई डिफरेंट बनाया नहीं, उतना ही है, उतना ही
बढ़िया माइंड आपके पास है जितना मेरे पास है, तो ये आप करिएगा। ठीक है।